अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एसिड रेन। कि एसिड रेन क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है एसिड मीन एसिड, तेजाब, रेन बारिश। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम यही कहते हैं तेजाबी बारिश। कि जब जो नॉर्मल रेन है, बेसिकली नॉर्मल रेन है तो उसकी जो पीएच है दैट इज 5.6 to 6, इतनी उसकी पीएच होती है। एसिडिक वो नहीं है, इतनी एसिडिक नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई होती है, कार्बोनिक एसिड होता है, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है स्मोक की वजह से जो ऊपर गई है वो उसमें डिजॉल्व है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, जिसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर है वो हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होता है, उसकी पीएच 5.6 से 6 तक है। लेकिन जब एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और जब NOx pollutants, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जाके ये वहां पर रेन वाटर के साथ मिक्स होकर, रेन वाटर के साथ जब मिक्स होते हैं तो दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड बना देते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये भी रेन वाटर के साथ मिक्स होगी इट विल ऑल्सो फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये रेन वाटर के साथ जब मिक्स हो जाते हैं, जब वो फिर रेन होती है, बारिश होती है, उसको हम कहते हैं एसिड रेन, तेजाबी बारिश, कि वो एसिडिटी है, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये जब उस रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं तब रेन एसिड रेन की जो पीएच है इट बिकम्स 4, इट ड्रॉप्स टू बी 4 to 4, और हमें पता है कि जब पीएच लो होती है तो दैट इज एसिडिक पीएच, हाई पीएच है 7 से ऊपर है बेसिक है, 7 न्यूट्रल है, और 7 से नीचे जो जो हम नीचे मूव करेंगे तो हमारे पास पीएच 4 जो है वो एसिडिक होती जाएगी। तो एसिड रेन जब फिर पड़ती है पत्थरों के ऊपर, स्टोन्स हैं या रॉक्स हैं या बिल्डिंग्स हैं या वेजिटेशन हैं, क्रॉप्स वगैरह, सॉइल वगैरह, तो यहाँ पर फिर जब तेजाबी बारिश बरसती है तो इट काज सो मैनी इफेक्ट्स, इट काज सो मैनी हार्म्स। उसको हम देखते हैं कि क्या क्या इसके नुकसान होते हैं एसिड रेन के। सबसे पहले ये है कि इट लीचेस हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम। कि ये जब तेजाबी बारिश, जब ये बारिश पत्थरों के ऊपर पड़ेगी, ठीक, पत्थरों के जब ऊपर ये बारिश पड़ती है रॉक्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो उन रॉक्स में हमारे पास ये हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, लेड, कैडमियम, मर्करी, क्रोमियम, एल्युमिनियम वगैरह। तो जब उनके ऊपर बारिश पड़ेगी ये मेटल्स वहां से लीच कर जाएंगे, लीच करके सीप कर जाएंगे दरिया के अंदर, रिवर के अंदर। फिर ये जो रिवर वाटर है अब इसके अंदर ये मर्करी, क्रोमियम, लेड, ये सारे हैवी मेटल्स आ चुके हैं। तो जब फिर इंसान, ह्यूमन, एनिमल्स जब वो रिवर वाटर को कंज्यूम करेंगे तो ये मेटल्स उनकी बॉडी में चले जाएंगे, देन इट विल लेड टू कैडमियम पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, क्रोमियम पॉइजनिंग हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि जो कैडमियम पॉइजनिंग है, कैडमियम पॉइजनिंग किडनी डिसफंक्शन कॉज करती है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस कॉज करती है, हाई ब्लड प्रेशर या उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मर्करी पॉइजनिंग है तो मर्करी पॉइजनिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज कर रही है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। उसके अलावा कैडमियम पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग है तो लेड पॉइजनिंग भी किडनी, लीवर और हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इस तरह से ये हमारे लिए एसिड रेन हार्मफुल है। उसके अलावा एल्युमिनियम जब लीच करके जाएगा रिवर के अंदर तो रिवर्स में फिशेस वगैरह प्रेजेंट है, मछलियां हैं, तो ये जब मछली एल्युमिनियम क्या करता है, ये मेटल जो फिशेस हैं उनके गिल्स को क्लॉग कर देता है। जब उनके गिल्स क्लॉग कर जाएंगे तो ऑक्सीजन वो नहीं ले पाएंगे, वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे फिशेस, जब उनमें रेस्पायरेशन नहीं होगी तो उस जब उनके गिल्स ब्लॉक
जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो उसकी वजह से इट विल लेड टू द डेथ ऑफ फिशेस। तो इस तरह से एसिड रेन अफेक्ट कर रही है। उसके अलावा बिल्डिंग्स के लिए कैसे एसिड रेन अफेक्टेड है, जैसे कहा जाते हैं कि जो आगरा है, आगरा में ताजमहल की बिल्डिंग जो है उसका जो पत्थर है वो डिके होता जा रहा है दिन ब दिन। वो क्यों? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, आगरा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उसकी वजह से वहां पर एसिड रेन हो रही है। और एसिड रेन की वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो जो पत्थर है वहां का, चूने का पत्थर या कोई भी पत्थर है, तो वो डिके हो रहा है। कैसे डिके होता है? कि एसिड रेन में हमारे पास, जैसे हमें पता है एसिड है, जब ये एसिड उस बिल्डिंग के ऊपर ये रेन पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, तो उसमें है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो एसिड्स हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलेंगे। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलेंगे, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ हमारे पास वाटर। तो ये कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व होके नीचे जो है वो बहता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, और इस तरह से हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिके होता जाएगा। तो इस तरह से एसिड रेन बिल्डिंग्स को और मॉन्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। उसके अलावा जब एसिड रेन पड़ती है सॉइल पे, जमीन पे पड़ेगी, मट्टी में पड़ेगी, तो वहां पर मट्टी की एसिडिटी को बढ़ा देगी। जब उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं जो एसिडिक सॉइल्स में ग्रो नहीं करते। जब एसिडिक सॉइल्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इट वुड लेड टू द रिटार्डेशन ऑफ देयर ग्रोथ। उसके अलावा एसिड रेन डैमेज कर रही है ट्रीज को भी, प्लांट्स को भी। जब डायरेक्टली ट्रीज और प्लांट्स के ऊपर ये एसिड रेन पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड कर जाएगी, वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्लांट्स जो है वो खत्म होते जाएंगे। तो एसिड रेन के इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन लेयर, उसकी ओजोन डिप्लीशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।